हाय दोस्तों, आज की वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज हमने बनाया चना दाल के पापड़। हमने कई प्रकार की वीडियोज अपलोड की है पापड़ की, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आज मैंने बनाया चने दाल का पापड़, तो चलिए बनाते हैं। बनाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो एक कप मैंने चना दाल लिया है, ये देखिए। तो इसको सबसे पहले हम धुल लेंगे, एक बड़े बाउल में डालेंगे। सबसे पहले हम चना दाल को अच्छे से धुल लेंगे। धुलने के बाद हम रात भर के लिए भिगो कर रख देंगे, चना दाल अच्छे से फूल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चने दाल को मैंने धुल लिया है, अब इसमें पानी डाल देंगे और रात भर के लिए भिगोकर रख देंगे। और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको किस तरीके की पापड़ वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वीडियो शेयर कर दूंगी। तो चना दाल को हमने रात भर के लिए भिगोकर रख दिया था, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से फूल गई है चना दाल, बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। हमने धुल लिया था, आप पानी देख सकते हैं कितना साफ पानी है चना दाल का। तो एक मिक्सर जार रखेंगे और चना दाल को हम पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट हमें बनाना है। तो मिक्सर जार में डालेंगे, सारी दाल को मिक्सर जार में डाल देंगे। इस होली में डेली पापड़ की वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ, आप चैनल पे जाकर कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो सारी दाल को मैंने जार में डाल दिया है, अब इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और ढक्कन लगाकर पेस्ट अच्छा सा तैयार कर लेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल बारीक है हमारा पेस्ट, बिल्कुल बारीक है। अगर आपको लगे कि छोटे छोटे टुकड़े रह गए तो आप छान लीजिएगा। तो मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल बारीक है। तो इसे हम एक बड़ा सा बाउल में निकाल लेंगे पेस्ट को, और ये जो जार में लगा है पेस्ट हम पानी डालकर निकाल लेंगे ताकि पेस्ट वेस्ट ना जाए। तो आधा कप पानी डालेंगे और घुमाकर पेस्ट हम बाउल में डाल देंगे। तो पेस्ट हमारा तैयार है चने दाल का। तो अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे 3-4 चम्मच मैदा। तो मैदा डाल देंगे, 3-4 चम्मच मैदा डालकर बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे, बिल्कुल अच्छे से पेस्ट हम बना लेंगे। उल्टियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो अच्छे से मिलाकर हम पेस्ट बना लेंगे। तो मैदा को हमने डाल दिया है, अच्छे से मिला लेंगे। तो पेस्ट हमारा तैयार है, बिल्कुल भी लम्स या गुल्ठियाँ नहीं। तो अब हम इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे, एक छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच का तिहाई लाल मिर्च कुटी हुई, एक चम्मच का तिहाई काली मिर्च दरदरी कुटी हुई, और थोड़ा सा डालेंगे येलो कलर फूड, थोड़ा सा हम डाल देंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। तो कलर डाल दिया है मैंने, अब डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक हमें कम ही डालना है क्योंकि सूखने के बाद पापड़ कम हो जाता है, तो नमक ज़्यादा ना लगे। तो अब हम सारे फ्लेवर को मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो सारे फ्लेवर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब चलते हैं पापड़ बनाने की तैयारी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है एक कढ़ाही। तो मैं दो प्रकार के पापड़ एक बार में आपको बताऊंगी, एक बार में दो प्रकार के पापड़। तो आधा पेस्ट मैंने डाल दिया कढ़ाही में और आधा बाउल में। तो आप एक बार में दो प्रकार के पापड़ बना सकते हैं, आप चाहें तो एक बनाएं या तो दो। तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम 3 कप पानी ऐड करेंगे। तो 1 कप चना दाल थी तो हमने 2 भाग में डिवाइड किया, तो आधा कप चना दाल में हमने 3 कप पानी ऐड किया है, और गैस ऑन करके कढ़ाई गैस पे रख दिया है मैंने। तो मुझे पानी कम लग रहा है तो मैं 1 कप पानी और डाल दे रही हूँ। तो टोटल 4 कप पानी हो चुके हैं, हमने मैदा भी डाला है तो इसीलिए पानी हमें ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले गैस की फ्लेम बढ़ा कर कंटिन्यू चलाते हुए हमें पका लेना है।
तो फ्रेंड्स मुझे ये गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें मैं एक कप पानी और ऐड कर देती हूँ। तो एक कप पानी मैंने और ऐड कर दिया। अभी काफ़ी देर तक हमें पकाना है, तो इसीलिए हमने पानी ऐड कर दिया है। अब हमें ज़्यादा देर तक पकाने के बाद पानी ऐड नहीं करना है। तो इसमें बबल्स आने लगे हैं, ये देखिए। इसी तरह अच्छे से पका लेना है। तो लगभग मैंने 15 मिनट तक पकाया है इस बैटर को। तो ये अब पक गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे छोड़ देंगे बिल्कुल ठंडा होने के लिए। तो इस वाले बैटर को रख देंगे, ठंडा होता रहेगा। और दूसरा पापड़ हम बनाएंगे, दूसरा तरीके वाला पापड़ हम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम बैटर को पतला कर लेंगे। गाढ़ा हो गया है, काफ़ी देर से रखा हुआ था। तो इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर फिर से डाल देंगे। फूड कलर हमने डाला था, पर वो पकते पकते फूड कलर का कलर चला गया है। तो थोड़ा सा फूड कलर डालकर हम अच्छे से मिला देंगे और कढ़ाई को हम साइड रख देंगे, ठंडा होता रहेगा। और दूसरा वाला पापड़ हम आपको बना के दिखाते हैं। आप एक बार में दो तरीके का पापड़ बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। कढ़ाई को साइड कर देंगे और इस तरह का टिफ़िन का ढक्कन और प्लास्टिक का ढक्कन लेंगे। ये रहा प्लास्टिक का ढक्कन, और इन ढक्कन में हम बनाएंगे पापड़। तो सबसे पहले हम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल लगाएंगे ढक्कनों में। तो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल मैंने ढक्कन में ग्रीस कर दिया है। अब बैटर को हम डालेंगे। तो मेरा चम्मच बड़ा है, अगर छोटा वाला चम्मच से आप डालें तो लगभग 1.5 चम्मच लग सकते हैं। आपके ढक्कन के हिसाब से ही बैटर लगेंगे। अगर छोटा ढक्कन है तो 1 चम्मच लगेगा, अगर बड़ा ढक्कन है तो 2 चम्मच लगेगा। तो आप अपने हिसाब से ही डालिएगा। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने पानी गरम कर लिया है पापड़ बनाने के लिए। इस तरह की हम दूध ढकने वाली छलनी रखेंगे, और जो स्टफिंग हमने ढक्कन में भर के तैयार किया था उसको रख देंगे। पानी गर्म है, इसी तरह भाप में पापड़ बनाया जाता है। तो मेरी कढ़ाई बड़ी है, आप जिस तरह की कढ़ाई हो आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने 5 ढक्कन में रख दिया है। तो 1 कटोरी में मैं और रख दे रही हूँ। तो मैंने 6 कटोरी ढक्कन में रख दिया है। ढक देंगे लगभग 3 मिनट के लिए। तो 3 मिनट के बाद हम खोल के देख लेते हैं। तो इसे हम चेक कर लेंगे, अगर उंगलियों में नहीं चिपक रहा है तो पक गया है, अगर चिपक रहा है तो फिर से आप ढक दीजिए 1 मिनट के लिए। तो पापड़ हमारे पक गए हैं, इनको अब हम निकाल लेंगे बाहर और थोड़ी देर ठंडा करने के बाद ही कटोरियों से पापड़ को निकालेंगे। और दूसरी कटोरी में हमने तैयार कर लिख के रख लिया है, इसमें रख देंगे और फिर से ढक देंगे। उसके बाद हम उस वाले ढक्कन से पापड़ को निकालेंगे। तो कटोरियों में मैंने तैयार कर लिया था, रख देंगे और ढक देंगे, ये भी पकता रहेगा। और उधर हम टिफ़िन के ढक्कन से पापड़ को निकालेंगे। तो 4 कटोरी में मैंने रख दिया है, ढक देंगे। तो इसे हमने ढक दिया है। अब जो पापड़ हमने ढक्कन कटोरी में निकाल लिए थे पहले से ही पका कर, किनारों किनारों में चाकू से छुटाएंगे और निकाल लेंगे। ये देखिए कितने पतले हमारे पापड़ बने हैं और बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं हैं। तो इन पापड़ को हम एक थाली में रखते जाएंगे, और टिफ़िन भी साफ़ है। तो इन पापड़ को एक थाली में रखते जाएंगे, ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगे। सारे पापड़ हम बना लेंगे, उसके बाद ही हम छत पर जाएंगे, एक बार में जाएंगे और धूप में डाल देंगे। ये प्लास्टिक वाले ढक्कन से मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप कोशिश करिएगा आपके पास ज़्यादातर प्लास्टिक के ढक्कन से बन जाए पापड़, तो उससे ही बनाइएगा, बहुत अच्छा बन जाता है प्लास्टिक के ढक्कन में। तो एक थाली में मैं रखती जाऊंगी सारे पापड़। तो इसी तरह मैं सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लूँगी। तो एक पापड़ मैं इस कटोरी से भी निकाल के दिखाती हूँ, कितने आसानी से निकल गया है और कटोरी भी साफ है। तो सारे पापड़ इसी तरह मैं बना लूँगी, और इस वाले को हम खोल कर देख लेते हैं, ये भी पक कर तैयार है।
तो फ्रेंड्स मैंने सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ हम धूप में आ गए हैं, पापड़ को हम धूप में डालेंगे। तो सारे पापड़ को धूप में डाल देंगे। उसके बाद हम जो कढ़ाई में हमने घोल को पका लिया था ना, उस वाले से भी पापड़ बना के आपको दिखाते हैं। तो ये रहा कढ़ाई वाला। तो एक चम्मच हम उठाएंगे बैटर को और यहाँ पे डाल देंगे और थोड़ा सा हल्के हाथों से हम फैला देंगे। इस तरीके से फैला देंगे। तो इसी तरह हम सारे पापड़ बना लेंगे। आप देख सकते हैं ना कितना बढ़िया सा पतला बैटर हमारा बना था। तो सारे पापड़ मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, एक बार में दो प्रकार के पापड़ आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से सूख गए हैं हमारे पापड़। तो इन्हें हम और सूखने देते हैं, बिल्कुल अभी पूरी तरीके से नहीं सूखे हुए हैं। ये देखिए, एक कप चना दाल पे इतने ढेर सारे पापड़ बनकर तैयार हैं। तो पापड़ को पूरी तरह से सुखा लेंगे, उसके बाद हम तलेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरी तरह से सुखा कर नीचे आ गए हैं। तो अब हम पापड़ को तलेंगे। तो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल गरम है, एक पापड़ में डालूंगी। ये देखिए, फटाक से फूल कर तैयार हो जाते हैं। आप चाहें तो इससे मोटे मोटे पापड़ भी बना सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे तल लेंगे। तो जो हमने भाप में बनाया था पापड़, उसको तल के दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी कितने अच्छे से फूल गए, मैंने कोई सोडा भी नहीं डाला था। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमें सारे पापड़ तल कर तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने कई प्रकार की पापड़ वीडियोज अपलोड की हुई है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे पापड़ तल के तैयार कर लिए। हम तोड़ के दिखाती हूँ कितने मुलायम पापड़ हमारे बने हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अगर ये पापड़ की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल प्रेस करके आल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मैं डेली पापड़ की वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ, आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो मिलेंगे अगले पापड़ की वीडियोज रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।